चलते बच्चों क्लास एट के बच्चों यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से का हम लोग आज क्लास एट इंग्लिश रोज पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग इसका क्वेश्चन से करेंगे जो हम लोग चैप्टर कल पढ़े थे उसी का देखते हैं यहाँ पर क्या बेटा हाँ हाँ कब पढ़ाएंगे बोलो हम तो बैठे हैं हम कवर खोल रहे थे बैठ जाओ तो लाओ उतार दो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट रूप से करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर है जो सही ऑप्शन यहाँ पर हम लोग ठीक करेंगे तो ए का देखिएगा इसमें सही ऑप्शन कौन होगा। ए का फर्स्ट वन यहाँ पर है 1, 2, 3 एंड 4 तो जो ऑप्शन सही है मैं उसी को यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी सुकरात वाले ग्रीक यहाँ पर हो जाएगा टीचर फिलासफर सोशल मैन तो यहाँ पर हो जाएगा फिलासफर हो जाएगा दार्शनिक तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले में फिल कर देंगे फिलासफर PHILOSOPHER फिलासफर हो जाएगा। उसके बाद अब्राहम लिंकन वाले ग्रेट प्रेसिडेंट हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड में कर लेंगे हम लोग प्रेसिडेंट। उसके बाद लिंकन बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक बार यहाँ पर हो जाएगा 1860 दिया हुआ है तो लिखो 1860 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है टैगोर वाज काल द गुरुदेवा गुरुजी गुरुवर नन ऑफ देव तो यहाँ गुरुजी हो जाएगा गुरुदेव हो जाएगा तो दिया हुआ है गुरुदेव हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया विराट का प्रश्न है ठीक है इस बार पढ़ाएंगे अभी देखो पढ़ रहा है 11:30 बजे क्लास चलता है ठीक है और विषय साइंस चलता होगा साइंस अब पढ़ाएंगे सब लोग जैसे होगा अलग पढ़ाते हैं लोग ब्रिजेश पढ़ाते हैं साइंस सर मेरे ख्याल से ब्रिजेश सर ठीक है हम बता देंगे ठीक है। अभी इंग्लिश तुमको तुम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ी थी एक भी दिन मोबाइल नहीं है अच्छा तुम्हारा भाई ना वो क्या नाम उसका है निखिल किसका पढ़ता है निखिल क्या भाई तुम्हारा है चलो तुम्हारी मम्मी ने काम करते यहाँ पर मम्मी तुम्हारी ना अच्छा उस वाले सुपर है ना चलते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पर अगला ट्रू और फॉल्स करना है थोड़ा कारण विराट का ठीक है सबका है ना एक क्लास चलता लगातार इसीलिए 6-7-8 ग्रामर सीरीज चलता है तो ग्रामर तो एक ही सबको पढ़ना है 6-7-8 को तो ग्रामर चल जाता है किताब के लिए अलग पढ़ना पड़ता है बिजनेस में सबको पढ़ाता हूँ लेकिन आज तुम हो तो थोड़ा लेंदी क्लास चलेगा घबरा होने ठीक है परेशान मत हो तुम। अगला चलते हैं बच्चों बी का देख लेते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा बी का देखते हैं इसकी शर्ट लीजिए आप लोग बी का आगे हम लोग करेंगे फिर बी का जो ऑप्शन है बी का ऑप्शन ट्रू और फॉल्स लगाना है तो बी का यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है बहुत कम लोग क्लास करता है बहुत ज़्यादा लोग क्लास नहीं कर सकते ऑनलाइन शायद ही कोई करता हो मेरे ख्याल से टिक द ट्रू एंड क्रॉस बुक है तुम्हारे पास ईस की लाइयो क्रॉस द फास्ट चिल्ड्रेन
उधर सोम मंगल बुध वगैरह क्लास छोड़ना मत है ना, ठीक समझ गए कि नहीं? ग्रामर चलता है, ठीक है? क्लास मत छोड़ना सोमवार मंगलवार बुधवार, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार बुक चलती, ठीक है? तो पहला यहाँ पर मैं फिर वैसी कर दे रहा हूँ, आप लोग को टू फर्स्ट लगा दे रहा हूँ, फर्स्ट वन है, टू सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर वन और फाइव वन। सुकरात हैड ए डीप लव ऑफ लर्निंग, तो बिल्कुल सही जवाब है ये, वह पढ़ाई के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। सुकरात वाज मेड द डाई बाय ड्रिंकिंग कप ऑफ टी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, उसको चाय देकर नहीं मारा गया था, जहर देकर मारा गया था। द नॉर्दर्न स्टेट थॉट दैट दे हैड ए राइट टू कीप स्लेव्स, तो कह रहा है कि जो उत्तरी जो नॉर्दर्न लोग हैं यहाँ पर निकलो पड़ते हैं हम लोग, द स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना वाज फर्स्ट वॉक, द साउथर्न स्टेट थॉट दे हैड राइट टू कीप स्लेव्स दे नीड, तो यहाँ पर दिया हुआ है द नॉर्दर्न, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये, यहाँ पर हम लोग गलत करेंगे, साउथर्न रहेगा तो होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर वाले ग्रेट इंडियन, एक महान भारतीय थे, बिल्कुल सही जवाब है ये, और रविन्द्रनाथ टैगोर लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ 80, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, 80 में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, सी वाला आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है इसमें जो पहरा है जहां से पहरा मिल रहा है वहां पर आपको बुक से देख करके कंप्लीट करना। सुकरात वाज ग्रेट ग्रीक फिलोसफर हु लिव्ड इन एथेंस, ऐसे हो जाएगा, आप लोग उसको भर लेना है, बुक से देख के भरना है, बुक से बस पहरा जहां पर मिले आप लोग को वहां पर कंप्लीट कर लेना है। अगला हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वन, देखते हैं क्या कह रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, डी तक कर लेते हैं, इसको आप लोगों को कर लिया होगा, उसके बाद क्लास सेवन चलेगा। इन द स्पेयर टाइम व्हाट डिड सुकरात डू, खाली समय में सुकरात क्या करता था, तो हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी का, फर्स्ट वन का सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर नंबर फर्स्ट देखिएगा, इन द स्पेयर टाइम सुकरात टी ए आई के टॉप टू द पीपल, खाली समय सुकरात लोगों से बातें करता था। Why did the government of Greece not like Sukrat? Answer number two देखिएगा, simple कर लेंगे, the government of Greece did not like Sukrat because the government of Greece did not like Sukrat did not like Sukrat because अरे दिख ही रहा है, विकास दे थॉट क्योंकि सोचते थे कि विकास दे थॉट दैट सी एस्ट्रे एस टी आर ए वाई सी एस्ट्रे द यूथ कि वह नौजवानों पर भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे नंबर थ्री देखिएगा, हाउ डिड लिंकन एबोलिश स्लेवरी एंड सेव द यूनियन ऑफ अमेरिका, ठीक है यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
ठीक है, इसका जवाब लिखेंगे हम लोग। By the effort of, by the effort of Tikonapolis, Lincoln abolished slavery. Abolished slavery and say the Union of America, ये हो गया। अगला हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पर अगला करेंगे। चलिए फिर आज ले लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा लो सेवन का खोलो, देखो ये बुक लाए हो ना तुम, तुमको पता कौन पढ़ा जा रहा है चैप्टर? नहीं पता है, रुको रुको हम बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ना आज ये खत्म हो गया, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। एक काइंड पाइन ट्री है ना, एक दयालु चीड़ का पेड़, ठीक है? ये तुम्हारे साथ का पढ़ा के तब छः वाले पढ़ाएंगे, तुमको लेट हो जाएगा जाने में। अब कल तुम 11:30 बजे यहाँ आ जाना, ठीक है ना? तुम अकेली सेवन क्या रही हो, और कोई नहीं है? तुम अकेली सेवन क्या थी हो बस। चलते अगला हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आर्यन टैगोर, आर्यन टैगोर वाज द ग्रेट इंडियन पोएट आर्यन टैगोर वाज अ ग्रेट इंडियन पोएट और कह रहा आगे, हाउ टू बिकम फेमस इन इंडिया, भारत में कैसे प्रसिद्ध हुए, यहां दिया हुआ है। By the book of Gitanjali, he wrote our national anthem. Anthem ऐसी में है, he wrote our नेशनल एंथम, ही रोट अवर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जिसमें दिसमेड दिसमेड ही फेमस फेमस इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, लास्ट वन है, व्हाट वाज द मैसेज ऑफ टैगोर टू मैन,
एसन ऑफ आई हो जाएगा मैन शुड नॉट क्वेरल मैन शुड नॉट क्यू ए डबल आर ई एल मैन शुड नॉट क्वेरल विथ वन अनदर लोगों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, ये यहाँ पर हो गया। तो अभी ये हम लोग कर लिए, अभी कल हम लोग फिर आगे नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जी एच एच तक है, काफी लंबा है, अभी है चलना हम लोग को है। इसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे कल। यहाँ पर डेट अतः कितना बेटा 9 है ना, चलते हैं हम क्लास 7th का क्लास यहाँ पर कम्प्लीट करते हैं। ये जो बच्चे आज ट्यूशन से लिखाया गया उसे कम्प्लीट कर लेंगे कल, इसी बुक का ग्रामर पोर्शन हम लोग करेंगे, ग्रामर पोर्शन का कम्प्लीट करेंगे कल हम लोग। सब करना बेटा, सब भर डालो, इसलिए ना तुम लोग को थोड़ा सा फायदा होगा ना, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आप क्लास 7th के बच्चे देखते हैं यहाँ पर, मेरी मीनिंग लिखवा दें कि पैरावाइज नहीं लिखवाएं, पैरावाइज लिखवाएंगे तो फिर लंबा भी नहीं होगा, पीछे दिया हुआ है। अच्छा तुम लोग को वो नहीं आता होगा ना प्रोनाउंसिएशन ना उच्चारण, चलो यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर कुछ पढ़ा भी दूंगा काइंड। अभी तुम अभी रब बना फेर बना लियो, ठीक है। काइंड प्रिंस पॉइंट दिया हुआ है क्लास 7 इंग्लिश प्रोज हो गया यहाँ पर। आज हम लोग चैप्टर 3rd पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3rd है यहाँ पर है, चैप्टर का नाम है ए काइंड पॉइंट्री, ए काइंड पॉइंट्री। पहले इसका मीनिंग लिख लेते हम लोग और बाकी जो कठिन मीनिंग होगा उसके बाद जो मैं लोगों को पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग पेसिस से ऊपर लिखिएगा, है ना। जो कठिन मीनिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग को नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग उसको पहले लिखेंगे। पहले डस्टर लिखा, क्लस्टर है पहला मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, क्लस्टर CLUSTER क्लस्टर का होता है समूह। क्लस्टर का होता है दिया हुआ समूह, पाइन का होता चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ है, हिट्स का तो शिखर हेड्स है, हेड्स का होता है शिखर, एक प्रोसेस समीप जाना, अप्रोचिंग का समीप जाना, टीयर्स का आंसू होता है, क्या मैं
ये नेस्कुल मोबाइल है। हाँ तो अभी मांग चलिए आधे घंटे के ऊपर, थोड़ा वीडियो बना रही कि ऑनलाइन क्लास ले रही है आप? बना रही है। हाँ भेजना है, देना है, देख सकते हैं। घर जाना आपको? हाँ तो चले जाए मेरे पास। अभी तो 2 मिनट पढ़ाएं इसको स्मार्ट। अभी सेवन, अभी 3 क्लास मैम लेते हैं ना।